हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ और एक नए जोश के साथ। तो सभी को जय श्री राम। और आप सभी कैसे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने एक क्या बनाया था यार, मैं भूल जाता हूँ। हाँ, एक कैल फॉर्म बनाया था भाई, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आज की वीडियो में हम कुछ नया करने जा रहे हैं, क्योंकि हर वीडियो में हम फार्म बनाते हैं, किसी में घर बनाते हैं, किसी में कुछ। इस बार हम कुछ धार्मिक बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं श्री हनुमान जी का गधा। गधा तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो हमने येलो कॉन्क्रीट ले लिया है। ये भाई ट्रेडर इसमें क्या कर रहा है, पर यार बकवास सामान ही देता है। ग्लोस्टोन सर दे रहा है, मेरे पास MLN नहीं है। ये इसके अंदर पता नहीं क्या कर रहा है। आज हम थोड़ी अलग जगह बनाएंगे, थोड़ी दूर सी जगह पे। तो हम चलते हैं इस तरफ। देखो ये सरफेस एरिया मैंने कर लिया एकदम साफ, क्योंकि काफ़ी बड़ा बिल्ड होने वाला है। ये हमारा डॉगी, हमने इसे बिठा दिया है, हमारे साथ ही आ रहा था बार बार। एक हम यहाँ लिया और काफ़ी सारे वहीं हैं अपने। तो हम बिल्ड को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले एक ब्लॉक रखेंगे हम नीचे, देन उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखेंगे और उसके बाद इसे साइड में लगा देंगे। तो सेंटर वाला ब्लॉक है, हमें उसे तोड़ देना है एंड साइड वाले ब्लॉक्स को हमें फिर कंप्लीट करना है। चारों तरफ हमें कर लेना कंप्लीट। इसके बाद ऊपर चलते हैं, देन यहाँ लगाते हैं और उस वाले ब्लॉक को हम तोड़ेंगे। अभी उसे तोड़ देते हैं। अब इसे हम चारों तरफ से सेम जैसे मैंने नीचे वाला किया ऐसे कर देते हैं इसको कंप्लीट। अब कंप्लीट होने के बाद हमें फिर से ऊपर चलना होगा, क्योंकि हम नीचे तो आई थिंक मुझे मैं अलग तरीके से कुछ एजेस बनाना चाह रहा हूँ इसमें। तो पहले से एक आध लेयर और बना के देख लेते हैं कैसा लग रहा है ये। तो उसके बाद हम जो है ना इसकी एजेस बनाएंगे। तो पहले इसे तोड़ लेते हैं, हमें नीचे लगाएंगे। हाँ नीचे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रंट वाले एक मिनट, हाँ ऐसे सही लगेगा। और जो आगे वाली है ना वो टूटेगी, ऐसे हम सब में लगा देते हैं, नीचे भी लगा देते हैं। अब देखो हाँ ये हो चुके। हम साइड वाले जो ब्लॉक्स हैं उन्हें तोड़ देते हैं, क्योंकि मैं कुछ अलग सा बन जा रहा हूँ। ये साइड वाली ये जो है ना नीचे वाले इन्हें भी तोड़ देते हैं। ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो श्री हनुमान जी का जो गधा है उसका बेस है सिर्फ, ये मतलब नीचे का पार्ट है जो उसमें छोटी सी चौंत सी रहती है वो बना रहा हूँ मैं। अब उसके ऊपर का जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा बनने वाला है, लगभग इसमें एक चेस्ट येलो कॉन्क्रीट लगेगा भाई। मतलब हमें काफ़ी सारा ग्रेवल ढूंढना पड़ेगा। ग्रेवल ढूंढने में भाई बहुत हालत ख़राब होगी मेरी, मैं बताऊँ वीडियो क्यों लेट हुई, इसी वजह से लेट हुई। सैंड तो मेरे को पता थी एक जगह है वहाँ पे काफ़ी सारी सैंड मिलती है, तो सैंड तो मैं लिया काफ़ी सारी, लेकिन फिर ग्रेवल ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैंने नीचे माइन करा के गुफा में मुझे ग्रेवल मिल गया था काफ़ी सारा, तो वहाँ से ले आया हूँ। लेकिन भाई अभी मुझे लगता है वो कम पड़ेगी, मुझे और लानी पड़ सकती है। देखो ये मैंने कर लिया इतना कम्प्लीट, चारों तरफ से एक चोटी से बना ली है। देन इसके ऊपर पहले इस वाली लेयर को तोड़ते हैं यार, ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि फिर कम पड़ेगा, चौंत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसको तोड़ने के बाद हमें जो इसे ना डबल करना है, नीचे वाली लेयर को डबल कर देना है, और डबल करके ये थोड़े अलग से लुक आएगा। देन इस वाले को तोड़ के हम फिर से साइड सारी बाउंड्री बना लेते हैं। तो बाउंड्री कैसी जैसे सेम बनाया है। देन इसके बाद तीन ब्लॉक आगे, एक तो है ही, उसके तीन ब्लॉक आगे और करना है। तो ये हमने कर लिया है। देन ऊपर आ चुके हैं, हम बेड भी ले आए हैं भाई, रात हो जाती है फिर नीचे जाने में दिक्कत होती है। तो अब फिर से जैसे सेम प्रक्रिया हमने नीचे करी है ना, उसी तरीके से अब इसे हम बनाने चलते हैं। देखो भाई ख़त्म होने वाला है, मुझे लग रहा है मुझे वापस जाना पड़ेगा। कितना सा अभी तक थोड़ा सा ही बिल्ड हुआ है, सारा ख़त्म हो गया। देखो इतना कम्प्लीट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको, लगभग 7-8 लेयर इसकी बनानी होंगी। 7 लेयर ऊपर की जो अलग होंगी, और ये 8वीं लेयर हमें डबल कर देनी है, क्योंकि उसके बाद हम इसे ऊपर से अब इसे छोटा करते जाएंगे। अब रात होगी, थोड़ा सो जाते हैं पहले। डॉगी भाई मैंने यहीं बिठा लिया, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, बिल्ड में थोड़ी दिक्कत कर रहा था। तो अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ ना ऊपर वाली लाइन को, तो आपको भी ये सेम ऐसे ही करनी है, क्योंकि ये हमें इसे कंप्लीट करना है इधर का। अब इधर ये कंप्लीट होने वाली है, ऊपर से फिर हम इसे ऐसे ही छोटा करते चले जाएंगे। देन क्योंकि ये अब पहले टॉर्च लगा दे रहे हैं भाई, अब अंधेरा हो जाएगा, मुझे लग रहा है अंधेरा जब भी होगा, जब ये ऊपर से बंद हुआ ना। अभी तो उजाला है क्योंकि दिन हो रहा है, ऊपर से अभी बंद नहीं है। देखो मैंने ऊपर की सारी लगभग ऐसे, आप जितने आपको नीचे लेयर करिए ना इतनी ऊपर कर लेना, ज़्यादा मत करना क्योंकि फिर थोड़ा बेकार लगेगा आई थिंक।
तो ऐसे कर लेना है। देन उसके बाद हमें बेस्ट बना लेना है, इसका ऊपर कवर कर देना। आपने सोचे होगा ये 2 ब्लॉक मैंने क्यों लगा रखे हैं। देखो इधर हमारे पास छः छः जो है ना, हम एक सेंटर ढूंढ रहे हैं जो हनुमान जी गधा का जो जिससे हम पकड़ेंगे वो बनाने जा रहे हैं अब हम। तो पहले इधर देखते हैं, ये हमने सेंटर ले लिया है इसका, इधर से भी सेंटर देखते हैं। 1 ब्लॉक छोड़ गए, 1 ब्लॉक इधर छोड़ेंगे और यहाँ से बनाएंगे सेम। तो अब इधर भी हम 1 ब्लॉक छोड़ के 2 लगा देते हैं, और देन 2 ब्लॉक इधर भी छोड़ देते हैं हम और यहाँ लगाते हैं। नहीं, 1 ब्लॉक छोड़ के अब देन यहाँ पे जो है ना ब्लॉक लगा देते हैं, इसे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद मुझे लग रहा सोना पड़ेगा, रात होने वाली है। अब पहले हम इसे यहाँ ऐसा लगा के ट्रैक करते हैं यार ये कैसा बनेगा। अब मुझे लग रहा है इसमें हनुमान जी की तो गदा है ना, इसमें बनाने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो अब सो जाते हैं, पहले रात हो गई, क्योंकि यार जॉब में तो ऊपर भी स्पॉन हो सकते हैं अंधेरे में, तो क्योंकि बिल्ड ख़राब करवाए अपना। तो हम क्या करें, पहले से चेक करते हैं बना के जो हमारे दिमाग में आ रहा है उस हिसाब से, नहीं तो कुछ गलत होगा तो उसे फिर से चेंज करेंगे भाई। एकदम बढ़िया बनाएंगे, ऐसे नहीं बेकार लगेगा। जो मुझे ये तोड़ना चाहिए आई थिंक, और ये हाँ ये हो चुका है दस कम्प्लीट। अब नीचे वाला बेस मुझे करना होगा, ये जो खाली 6 ब्लॉक बचे हैं ये भी मुझे लगा कवर करने पड़ेंगे मुझे। पहले ऊपर से कल के देखते हैं, इसे भी कवर कर देते हैं ना। अब ऐसे ऐसे बनाएंगे, इसे तोड़ देते हैं इस वाले को। अब इसे ऊपर को चल, यार ये इधर का बिगड़ गया सिस्टम, देखो ये ना एक्स्ट्रा हो गया, ये इधर हो गया, ये एक्स्ट्रा, इन एक्स्ट्रा ब्लॉक्स को तोड़ देते हैं हम पहले, इधर का भी और इधर के भी। ये थोड़े से हमें ना एजिस सी बनानी है जैसे नीचे बनाई है। तो ये इधर का देखें तो इधर तो ये तो इसमें आ रही है, और देन ये तो सही आ रही है। इधर वाले में चेक करें, ये यार इसके अंदर आ रही है। क्या सीन है, ये दोनों ही अंदर आ रही हैं आई थिंक। मैं थोड़ी चौड़ी करता हूँ, इसे बड़ा सा करता हूँ, क्योंकि ये मैं बाहर लाना चाह रहा हूँ, जो उसके साइड के जो मैंने अलग ब्लॉक सब तो काटता हूँ ना, जैसे मैं तोड़ रहा हूँ जो बीच में एक एज सी बनाता हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। देखते हैं, ये तो भाई मुझे लग रहा नहीं हो पाएगा, बाहर तो आ रहा है लेकिन वो दूसरी साइड का जो बाहर वाला एरिया है ना वो नहीं आ पा रहा। क्या कर सकते हैं, मुझे लग रहा है मुझे वापस लगाना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब इसे ऊपर बनाते हैं, उसके बाद देखेंगे बाद में। अगर थोड़ा सा बना के देखते हैं ऊपर की तरफ, बाबा गिन लेते हैं पहले यार कितने ब्लॉक रह गए, अब ऊपर को बना लेते हैं इसे। इसमें तो यार गैप तो है नहीं, अब क्या सीन है यार समझ ही नहीं आ रहा अभी मुझे कुछ। थोड़ा सा बिल्ड करके देखते हैं, थोड़ा सा बिल्ड इसे कंप्लीट करते हैं थोड़ा बहुत। मैं नीचे के चल के देखते हैं यार अब कैसा लग रहा है। थोड़ा सा इसे चौड़ा करते हैं यार, ये अंदर तो यार जगह होनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि अंदर भी हम टॉर्च लगा देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है ना जितना बड़ा गधा है ना उस हिसाब से पतला बन रहा है, थोड़ा मोटा होना चाहिए कि लगे हाँ गधा सा, यार ऐसा लग रहा है कतई पतला सा। तो इसे फिर से करते हैं, ये इतना तो हो चुका है, एक आई हो करते हैं, देन इधर भी ऐसे करते हैं, और जो इधर भी हमें करना पड़ेगा यार चेक करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसे साइड में बढ़ा देता हूँ, हाँ ऐसे बढ़ा लेते हैं, और इसे भी बढ़ाना, ऐसे मुझे नीचे भी बढ़ानी पड़ेगी एक लेयर। ये हमने नीचे भी बढ़ा दी, इस तरफ के इन दोनों को भी कर देते हैं कवर। कितने हैं यहाँ, गिन लिए मैंने वैसे तो। अब पहले इधर का भी देख लेते हैं, सेम आना चाहिए ना। तो इधर मुझे 2 ब्लॉक लगाने पड़ेंगे भाई, हमारा कंक्रीट ख़त्म हो लिया, हमारा तो कंक्रीट ब्लॉक ही, मुझे लग रहा है वापस जाना पड़ेगा मुझे। मैं भाई आपको बताऊँ, मैं लगभग फिर से लेके आया था काफ़ी सारी जगह, सेंड तो आसानी से मिल गई यार, पर लेकिन ग्रेवल के लिए मुझे पानी में ही खुदाई करनी पड़ी जब जाकर मुझे मिला। अब इधर बनाते हैं ऐसे इधर की, हाँ देखो मैं इधर भी ऐसे ही बनाने जा रहा हूँ जैसे इधर बनाया था। 1 मिनट, इसे थोड़ा आगे को करते हैं ना इधर को, ये ना काफ़ी सारे ले आया मैं। पहले यार हमारे पास कॉन्क्रीट ब्लॉक की कमी पड़ गई थी, मैं दूसरी बार लाया हूँ ये लगभग। इसमें मैं बताऊँ आपको कितना लगा है, लगभग 1 चेस्ट लगी है इसमें, इसमें जो कॉन्क्रीट ब्लॉक लगा है 1 चेस्ट लगी है। तो इस साइड वाले ब्लॉक्स को इन्हें तोड़ लेते हैं पहले, इसे भी तोड़ लेते हैं, और ये इधर वाले को भी तोड़ेंगे अभी। ऊपर चलते हैं पहले और इसको भी तोड़ देते हैं। अब इसकी हम बना देंगे जैसे ये नीचे करना है ना, ऐसे हम लगभग 20-30 हाइट की बनानी होगी हमें, क्योंकि 20 हाइट कम रहेगी भाई, 30 तो हमें बनानी है ही है। मतलब यहाँ से ये हमारी 3 हाइट होगी, अब हम चौथे हाइट को कर रहे हैं।
तो आपको भी ना ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। तो देखो भाई, मैंने ऊपर तो काफ़ी लिपट ले गया, तो मैं नीचे जाके देखा तो काफ़ी बेकार लग रहा था, तो मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया है। ये आपको इस साइड से 9 का करना है, दूसरी साइड से लगभग और बड़ा करना है, तो आप देख लेना। तो ये मैंने कर लिया और ऊपर तक लगभग 30 ब्लॉक की हाइट भी बना ली। अब जो हम गधा के ऊपर की जो रहती है ना, लास्ट में जो रहता है उसके एक चोंच से बनाएंगे ऊपर को भी, तो हम इधर भी सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे नीचे का है। पहले से एक एक जो ब्लॉक है, एक लाइन बाहर को करेंगे, देन उसके बाद एक ब्लॉक यहाँ लगा के इसे बाहर को करते हैं। और इसे भी हमें अंदर एक टॉर्च लगानी पड़ेंगे क्योंकि इसमें अंधेरा होने वाला है काफ़ी। हो जाएगा भाई, हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया कंप्लीट। ये इधर भी अपना 1 मिनट, यहाँ ब्लॉक लगाते हैं। ये इधर का हो चुका है सारा कंप्लीट। 2 ब्लॉक इधर भी लगाने होंगे भाई, क्योंकि 6 का बैठ रहा है तो थोड़ा अलग सा बैठ रहा है, सही नहीं बैठ रहा थोड़ा सा। कोई नहीं, अब 2 ब्लॉक साइड में और लगाते हैं इधर, जिससे अब ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो फाइनली हमारा बिल्ड हो चुका है कंप्लीट। पहले आपको दूर से दिखाता हूँ आपको कैसा लग रहा है। देखो भाई क्या लुक आ रहा है भाई, एकदम बढ़िया। थोड़ा सा व्यू नीचे का वाला थोड़ा सा पतला है, तो भाई मेरे पास थोड़ा सामान कम था इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। और भाई आप आगे कौन सी वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में आप मेरे को कमेंट भी कर लेना। तो वही हमारा आज का बिल्ड तो काफ़ी बड़ा था, सबसे बड़ा बिल्ड है आई थिंक ये मेरा। तो ये बिल्ड हमारा हो चुका है कम्प्लीट। तो बाय गाइस, एंड थैंक यू, एंड जय श्री राम सभी को।